आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का 26वां मुकाबला जो पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम ने 1-0 से जीत दर्ज की। वहीं प्लेयर ऑफ द मैच तबदेज शमसी रहे, जिन्होंने 4 विकेट लिए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो MA चिन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.4 ओवरों में 10 विकेट खोकर 270 रन बनाए, जिसमें पाकिस्तान के बल्लेबाजी की ओर से सबसे ज़्यादा रन साउद शकील ने 52 रन बनाए और कप्तान बाबर आजम ने 50 रनों की पारी खेली। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की ओर से तबदेज शमसी ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए और मार्को यानसन ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने 47.2 ओवरों में 9 विकेट खोकर 271 रन बनाए और मुकाबले को 1 विकेट से जीत दर्ज की। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी की ओर से सबसे ज़्यादा रन एजेन मार्करम ने 91 रन बनाए और डेविड मिलर ने 29 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान की गेंदबाजी की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट लिए और हरीश राउफ, मोहम्मद वसीम और उस्मा मीर ने 2-2 विकेट लिए। और जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम पॉइंट टेबल पर पहले स्थान पर पहुंच गई है। साउथ अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 जीत और 1 हार के साथ उनका पॉइंट 10 है। उनका रन रेट +2.032 के साथ पहले पायदान पर पहुंच गए हैं, जो भारत पहले पायदान पर थे, लेकिन रन रेट ज़्यादा होने के कारण साउथ अफ्रीका की टीम पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं पाकिस्तान की टीम ICC वर्ल्ड कप 2023 में 6 मुकाबले खेले हैं और उसमें 2 जीत और 4 हार के साथ उनका पॉइंट -0.387 के साथ 6ठे पायदान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में अब्दुल्ला शफीकी, इमामुल हक, बाबर आजम जो पाकिस्तान के कप्तान थे, मोहम्मद रिजवान, साउद शकील, सदाब खान, इस्तेकार अहमद, मोहम्मद नवाज, हरीश राउफ, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम। पाकिस्तान के टीम में 2 बदलाव किए गए थे, उस्मा मीर और हसन अली की जगह मोहम्मद नवाज और मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाया गया था। वही साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 में क्विंटन डीकॉक, तेम्बा बबुम्बा जो साउथ अफ्रीका के कप्तान थे, वान डे दुसेन, एजेन मार्करम, हेनरी क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को यानसन, गिलराज कोचजी, केशव महाराज, तबरेज शमसी, लुंगी एगेजी। और साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए गए थे, जिसमें रिजा हेनरी के कागिसो रवाडा और लिजार्ड विलियमसन की जगह तेम्बा बबुम्बा, तबरेज शमसी और लुंगी निगेजी को खिलाया गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम की ओर से अब्दुल्ला शफीकी ने 17 गेंदों पर 9 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 52.94 का रहा। कैच लुंगी निगेजी, बोल्ड मार्को यानसन। इमामुल हक ने 12 गेंदों पर 18 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 66.67 का रहा। कैच हेनरी क्लासेन, बोल्ड मार्को यानसन। बाबर आजम ने 65 गेंदों पर 50 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 76.92 का रहा। कैच क्विंटन डीकॉक, बोल्ड तबदेज शमसी। मोहम्मद रिजवान ने 27 गेंदों पर 31 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 114.87 का रहा। कैच क्विंटन डीकॉक, बोल्ड गिलराज कोचजी। इस्तेकार अहमद ने 31 गेंदों पर 21 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 67.74 का रहा। कैच हेनरी क्लासेन, बोल्ड तबरेज शमसी। साउथ शकील ने 52 गेंदों पर 52 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 100 का रहा। कैच क्विंटन डीकॉक, बोल्ड तबरेज शमसी। सदाब खान ने 36 गेंदों पर 42 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 119.44 का रहा। कैच केशव महाराज, बोल गिरिराज कोचजी। मोहम्मद नवाज ने 24 गेंदों पर 24 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 100 का रहा। कैच डेविड मिलर, बोल्ड मार्को यानसन। शाहीन अफरीदी ने 4 गेंदों पर 2 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 50 का रहा। कैच केशव महाराज, बोल्ड तबरेज शमसी। मोहम्मद वसीम ने 9 गेंदों पर 7 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 77.78 का रहा। कैच क्विंटन डीकॉक, बोल्ड लुंगी निगेजी। हरीश राउफ ने 1 गेंदों का सामना किया, खाता भी नहीं खुला, वो नवाद रहे। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने 19 एक्स्ट्रा दिए, जिसमें 22-4, वाइड 11 और 9 बॉल 4 थी। इस तरह पाकिस्तान की टीम ने 46.4 ओवरों में 10 विकेट खोकर 270 रन बनाए। पाकिस्तान का पहला विकेट 20 के स्कोर पर अब्दुल्ला शफीकी के रूप में गिरा, दूसरा 38 के स्कोर पर इमामुल हक के रूप में गिरा, तीसरा 86 के स्कोर पर मोहम्मद रिजवान के रूप में गिरा, चौथा 129 के स्कोर पर इश्तकार अहमद के रूप में गिरा, पांचवा 141 के स्कोर पर बाबर आजम के रूप में गिरा,
छाछा 225 के स्कोर पर सदाब खान के रूप में गिरा। सातवां 240 के स्कोर पर शाह शकील के रूप में गिरा। आठवां 259 के स्कोर पर शाहीन अफरीदी के रूप में गिरा। नौवां 268 के स्कोर पर मोहम्मद नवाज के रूप में गिरा। दसवां 270 के स्कोर पर मोहम्मद वसीम के रूप में गिरा। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की ओर से मार्को यांसन ने 9 ओवर की गेंदबाजी की, एक ओवर मेजर रखा, 43 रन दिए, 3 विकेट, 4.8 का रहा। लुंगी एगिडी ने 7.4 ओवर की गेंदबाजी की, 45 रन दिए, 1 विकेट, 5.9 का रहा। एजेंट मार्को ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 20 रन दिए, 5 का रहा। केशव महाराज ने 9 ओवर की गेंदबाजी की, 56 रन दिए, 6.2 का रहा। गलराज कोचिजी ने 7 ओवर की गेंदबाजी की, 42 रन दिए, 2 विकेट चटकाए, 6 का रहा। तबदेज शमसी ने 10 ओवर की गेंदबाजी की, 60 रन दिए, 4 विकेट चटकाए, 6 का रहा। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की ओर से 6 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, जिसमें 4 गेंदबाजों को सफलता मिली। वहीं तबदेज शमसी को सबसे ज़्यादा 4 सफलता मिली, जो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। मार्को यांसन को 3 सफलता मिली, गिलराज कोचिजी को 2 सफलता मिली और लुंगी एगिडी को 1 सफलता मिली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से तेम्बा बम्बा ने 27 गेंदों पर 28 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 103.27 का रहा। कैच साउथ शकील बोल्ड मोहम्मद वसीम। क्विंटन डिकॉक ने 14 गेंदों पर 24 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 171.43 का रहा। कैच मोहम्मद वसीम बोल्ड शाहीन अफरीदी। एजन मार्कम ने 93 गेंदों पर 91 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 97.85 का रहा। कैच बाबर आजम बोल्ड उस्मा मीर। वान डेर दुसैन ने 39 गेंदों पर 21 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 35.85 का रहा। उस्मा मीर ने उन्हें LBW आउट किया। हेनरी कलासन ने 10 गेंदों पर 12 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 120 का रहा। कैच उस्मा मीर बोल्ड मोहम्मद वसीम। डेविड मिलर ने 33 गेंदों पर 29 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 87 का रहा। कैच मोहम्मद रिजवान बोल्ड शाहीन अफरीदी। मार्को यांसन ने 14 गेंदों पर 20 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 142.86 का रहा। कैच बाबर आजम बोल्ड हरीश राउफ। गिलराज कोचिजी ने 13 गेंदों पर 10 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 76.42 का रहा। कैच मोहम्मद रिजवान बोल्ड शाहीन शाह अफरीदी। केशव महाराज ने 21 गेंदों पर 7 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 33.33 का रहा। वो नवाद रहे। लुंगी एगिजी ने 14 गेंदों पर 4 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 28.57 का रहा। कैच एंड बोल्ड हरीश राउत ने उन्हें आउट किया। तबदेव शमसी ने 6 गेंदों पर 4 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 66.66 का रहा। वो नवाद रहे। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने 21 एक्स्ट्रा दिया, जिसमें बाई 1, लेग बाई 5, वाइड 15 थे। इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम ने 47.2 ओवरों में 9 विकेट, 271 रन बनाए और मुकाबले को 1 विकेट से जीत दी। साउथ अफ्रीका का पहला विकेट 34 के स्कोर पर क्विंटन डिकॉक के रूप में गिरा। दूसरा 67 के स्कोर पर तेम्बा बम्बा के रूप में गिरा। तीसरा 121 के स्कोर पर वान डेर दुसैन के रूप में गिरा। चौथा 136 के स्कोर पर हेनरी कलासन के रूप में गिरा। पाँचवा 206 के स्कोर पर डेविड मिलर के रूप में गिरा। छठा 235 के स्कोर पर मार्को यांसन के रूप में गिरा। सातवा 250 के स्कोर पर एजन मार्कलर के रूप में गिरा। आठवा 250 के स्कोर पर गिलराज कोची के रूप में गिरा। नौवा 260 के स्कोर पर लुंगी एगिजी के रूप में गिरा। पाकिस्तान की गेंदबाजी की ओर से इश्तकार अहमद ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, 29 रन दिए, उनका इकोनॉमी 7.7 का रहा। शाहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवर की गेंदबाजी की, 45 रन दिए, 3 विकेट चटकाए, उनका इकोनॉमी 4.5 का रहा। मोहम्मद नवाज ने 6.2 ओवर की गेंदबाजी की, 40 रन दिए, उनका इकोनॉमी 6.3 का रहा। हरीश राउत ने 10 ओवर की गेंदबाजी की, 62 रन दिए, 2 विकेट चटकाए, उनका इकोनॉमी 5 का रहा। उस्मा मीर ने 8 ओवर की गेंदबाजी की, 45 रन दिए, 2 विकेट चटकाए, उनका इकोनॉमी 5.6 का रहा। पाकिस्तान की ओर से 6 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, जिसमें 4 गेंदबाजों को सफलता मिली। सबसे ज़्यादा सफलता शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट लिए और हरीश राउत, मोहम्मद वसीम और उस्मा मीर ने 2-2 विकेट लिए। सदाब खान के कंधे में चोट और घुटने के में चोट के कारण रिप्लेसमेंट के रूप में आए उस्मा मीर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 2 विकेट चटकाए। वहीं ICC वर्ल्ड कप 2023 का विश्व मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम ने 1 विकेट से जीत दर्ज की। ICC वर्ल्ड कप 2023 के कल 2 मुकाबले होने वाले हैं। वहीं ICC वर्ल्ड कप 2023 का 27वां मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है, जो भारतीय समय अनुसार 10:30 से धर्मशाला में खेला जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ICC वर्ल्ड कप 2023 में 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें
जिसमें 3 जीत और 2 हार के साथ उनका पॉइंट 6 है। उनका रन रेट +1.1 4-2 के साथ चौथे पायदान पर है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम इस साल ICC वर्ल्ड कप 2023 में 5 मुकाबले खेले जिसमें 4 जीत और 1 हार के साथ उनका पॉइंट 8 है। उनका रन रेट +1.481 के साथ तीसरे पायदान पर है। वहीं न्यूजीलैंड का पिछला मुकाबला इंडिया से 4 विकेट से हार करा रही है। ऑस्ट्रेलिया पिछला मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ 309 रनों से जीत करा रही है, जो वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत है। वहीं दूसरा मुकाबला ICC वर्ल्ड कप 2023 का 28वां मुकाबला जो कल नीदरलैंड बनाम बांग्लादेश के बीच होने वाला है, जो भारतीय समय अनुसार 2 बजे से कोलकाता में खेला जाएगा। वहीं ICC वर्ल्ड कप 2023 में नीदरलैंड की टीम ने 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें 1 जीत और 4 हार के साथ उनका पॉइंट 2 है। उनका रन रेट -1.902 के साथ 10वें पायदान पर है। वहीं बांग्लादेश की टीम ने ICC वर्ल्ड कप 2023 में 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें 1 जीत और 4 हार के साथ उनका पॉइंट 2 है। उनका रन रेट -1.253 के साथ 8वें पायदान पर है। वहीं नीदरलैंड की टीम पिछला मुकाबला 309 रनों से हार करा रही है। वहीं बांग्लादेश पिछला मुकाबला साउथ अफ्रीका से 149 रनों से हार करा रही है। ICC वर्ल्ड कप 2023 का 27वां और 28वां मुकाबला आप लोग देखना ना भूलें। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।